कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जंग हारकर आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं राजू श्रीवास्तव जी के जीवन की संघर्ष की वो कहानी जिसने एक ऑटो ड्राइवर से लेकर उन्हें कॉमेडी की दुनिया का गजोदर भैया बना दिया। बता दें कि स्टार्टिंग से ही राजू श्रीवास्तव को लोगों को हंसाने का शौक था। उनका जन्म कानपुर में एक कवि के घर में हुआ था। 1988 में राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में अपना करियर बनाने का सपना लिए मुंबई पहुंच गए। हालांकि इस बड़े महानगर में अपना सपना सच कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि जब वो मुंबई आए थे उस वक्त लोग किसी कॉमेडियन को बड़े कलाकार के तौर पर नहीं देखा करते थे। कॉमेडी उस वक्त सिर्फ जॉनी वॉकर से शुरू होती थी और जॉनी लीवर पर ख़त्म हो जाया करती थी। शुरुआती दौर में उन्हें काम नहीं मिल पाया था, ऐसे में उनके पास पैसों की तंगी रहा करती थी, इसलिए राजू श्रीवास्तव ने अपना खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाया। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि वो ऑटो में लोगों को जोक सुनाया करते थे और हंसाया करते थे। उनके इस हुनर की वजह से उन्हें सिर्फ किराया ही नहीं मिलता था बल्कि टिप भी मिल जाया करती थी। एक दिन उनके ऑटो में बैठे एक सवारी के चलते उन्हें स्टैंड अप कॉमेडियन में पहला ब्रेक मिला और इस ब्रेक के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो गया। उस दौर में कॉमेडियन को सिर्फ 50 रुपये मिला करते थे। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि जब वो स्ट्रगल के दिनों में बर्थडे पार्टी में जाकर कॉमेडी किया करते थे तो उन्हें मात्र 50 रुपये मिलते थे। बता दें कि राजू श्रीवास्तव को सबसे ज़्यादा पहचान मिली लाफ्टर चैलेंज के जरिए, जिसमें वो कॉमेडियन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के उपविजेता रहे थे। उन्होंने इस शो में गजोदर भैया का किरदार प्ले किया था। उस दौरान घर घर में हर किसी की जुबान पर गजोदर भैया का नाम रहता था। इस सफलता के बाद राजू श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाते रहे। उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में इस तरह का आयाम कायम किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के बादशाह हैं और हमेशा रहेंगे। वेल दोस्तों, ऑटो ड्राइवर से कॉमेडी के बादशाह बने राजू श्रीवास्तव के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना